मैं चाहता हूं कि गुजराती भाषा नहीं बोल पाता है, इसलिए हिंदी में बात करूंगा। सरल हिंदी होगी, आसान होगी, आपको समझ में आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत देश के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट का समय है, इस समय विपत्ति है बहुत भयंकर, और उसके कुछ हमारे सामने दिखने वाले दुष्परिणाम भी हैं। ऐसे ही एक गंभीर विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, और वो विषय है वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य वर्धित कर। एक नए तरह का कर हमारे देश में लागू हुआ है। पिछले 1 अप्रैल 2005 से भारत देश के 22 राज्यों में ये कर का नया कानून लागू हुआ है। महाराष्ट्र राज्य में भी हुआ है। भारत में लगभग 30 राज्य हैं। 30 राज्यों में से 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये कानून लागू नहीं हुआ है, और उस कानून के लागू नहीं होने का कारण है, महाराष्ट्र जी ने जैसा कहा, वहां के व्यापारियों में, वहां के उद्योगपतियों में, वहां के ग्राहकों में थोड़ी चेतना पैदा हुई है, थोड़े वो जग गए हैं, और उनकी चेतना ने सरकार को मजबूर कर दिया है कि वहां अभी तक वैट नहीं है। भारत देश के जिन 8 राज्यों में वैट नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, अगर इनकी कुल जनसंख्या को जोड़ दिया जाए तो वो 55 कोटी है, 55 करोड़ है, 55 करोड़। भारत देश की कुल लोक संख्या 105 कोटी है सरकार के आंकड़ों के अनुसार। उसमें से 55 करोड़ की जो लोक संख्या है, 55 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, वहां वैट नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, अर्थात आधे भारत देश में वैल्यू एडेड टैक्स नहीं है, आधे भारत देश में वैल्यू एडेड टैक्स है। ये जो वैल्यू एडेड टैक्स हमारे देश में आया है, इसके पीछे की जो मुख्य भूमिका है वो मैं आपसे शुरू में कहूंगा, और मेरा अभी का जो व्याख्यान होगा वो दो हिस्से में मैं बांटूंगा। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है, मोटी मोटी बातें, और एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। व्याख्यान के बाद का हिस्सा माइक्रो इकोनॉमिक होगा, व्याख्यान के पहले का हिस्सा मैक्रो इकोनॉमिक होगा, और मैंने इस पर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको दिखाने के लिए लाया है। तो व्याख्यान का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें मैं एक सीडी, लैपटॉप और एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको कुछ मुख्य मुख्य बातें आपके ध्यान में बिठाने की कोशिश करूंगा। हमारे भारत देश में जहां ये वैल्यू एडेड टैक्स का कानून आया है उसके बारे में 5-7 मिनट में कुछ मोटी मोटी बातें बता दूं। अभी थोड़े दिन पहले हमारे देश की संसद में बजट प्रस्तुत हुआ, फरवरी के महीने में हमारे देश के वित्त मंत्री श्री चिदंबरम ने बजट प्रस्तुत किया। 2-2.5 घंटे का उनका बजट भाषण था। मैं हर साल बजट भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूं, और सिर्फ सुनता ही नहीं हूं, उसके पेपर्स मंगाता हूं और उसको जानने समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बजट पूरे एक साल की सरकार की आवक और सरकार की जावक, माने आया हुआ पैसा और खर्च किया हुआ पैसा, उसका तो बताता ही है, इसके अलावा देश की परिस्थिति क्या है वो माहिती भी बजट से मिलती है। इस बार का जब बजट भाषण में सुन रहा था तो हमारे देश के वित्त मंत्री चिदंबरम ने बोलते बोलते बीच में कहा, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप। बजट भाषण बोलते बोलते बीच में एक वाक्य बोल दिया जो बहुत सरलता से हमारे सांसदों के कान से घुस के दूसरे से निकल गया, जबकि वो निकलना नहीं चाहिए था। उन्होंने बोल दिया, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप, अब हम कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुके हैं। ये वित्त मंत्री ने कहा। ये जो एक शब्द है ना, डेट ट्रैप, इसका मतलब क्या होता है, कर्ज का दुष्चक्र क्या होता है? कर्ज का दुष्चक्र होता है कि आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया, आपने कहीं से इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि अब उसको वापस देने की ताकत आपकी नहीं है, और उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए भी आपको कर्ज लेना पड़ रहा है। इन दोनों को मिलाकर परिस्थिति जो बनती है उसको डेट ट्रैप कहते हैं। भारत की सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया है कि उस कर्ज के मूलधन को वापस देने की ताकत अब नहीं बची है, और उससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बात को कहते हैं, नाउ वी आर इन डेट ट्रैप।
इस बार के बजट में मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत सरकार ने कितना कर्ज ले लिया है। तो हमारे भारत सरकार में क्या क्या आता है? भारत सरकार में केंद्र की सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और 30 राज्यों के नीचे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों की सरकार होती है, ये तीनों मिलाकर भारत सरकार बनती है। तो इस बार के बजट के आंकड़े बताते हैं, और बजट के एक दिन पहले सरकार ने एक इकोनॉमिक सर्वे संसद में पेश किया था, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 3 स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इन तीनों के स्तर पर कुल कर्जा 18 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 18 लाख करोड़, 18 लाख कोटि, अगर इसको आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो फेल हो जाएगा क्या, क्योंकि कैलकुलेटर में सिर्फ 12 अंक आते हैं और इसमें 12 से ज्यादा नहीं। 18 लाख करोड़ रुपए के कर्जे का अर्थ होता है हरेक भारतवासी के ऊपर 18,000 रुपए का कर्जा। ये 3 स्तर पर है, केंद्र सरकार, 30 राज्यों की राज्य सरकार और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। केंद्र सरकार के ऊपर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। राज्य की जो 30 सरकारें हैं उनके ऊपर लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये लगभग इतना विदेशी कर्ज हमारे ऊपर हो गया है। अनेक अनेक संस्थाओं से ये कर्ज हमने लिया है, विश्व बैंक से लिया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया है, अमेरिका से लिया है, जापान से लिया है, जर्मनी से लिया है, फ्रांस से लिया है, स्वीडन से लिया है, स्विट्जरलैंड से लिया है, तमाम पाश्चिमात्य देश, अनार्य देश जिनको हम कहते हैं महाराज श्री के शब्दों के अनुसार, सभी अनार्य देशों से हमने ये कर्ज ले लिया। अब संकट क्या है, हर साल इस कर्जे का ब्याज भरना है, सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। महाराष्ट्र राज्य जिसमें आज हम बैठे हुए हैं, इस महाराष्ट्र राज्य के ऊपर 1 लाख कोटी रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, 1 लाख करोड़ रुपए। और महाराष्ट्र सरकार का वित्त मंत्री श्री आर.आर. पाटिल ये बात को बार बार कह चुका है कि हमारी जो आमदनी होती है, महाराष्ट्र राज्य से मिलने वाला जो टैक्स है, जो टोटल टैक्स है, रेवेन्यू रिसीट है, वो हमारे खर्चे को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि टैक्स से होने वाली जो आमदनी है वो कर्जे के ब्याज में और कर्मचारियों की पगार में ही खर्च हो जाती है। महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों की एक साल की जो पगार है और महाराष्ट्र राज्य की सरकार का एक साल का जो कर्ज का ब्याज है, दोनों में उनकी आवक पूरी समाप्त हो जाती है। तो विकास करने के लिए उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो विकास के छोटे छोटे काम करने के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ा, फिर उस कर्जे का ब्याज भरना पड़ता है, फिर उस ब्याज को भरने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है। ऐसा एक दुष्चक्र हमारे देश में शुरू हुआ है। इस दुष्चक्र की सबसे गंभीर बात है कि जिनसे हमने कर्ज लिया है, अब उनकी हरेक शर्त को मानने के लिए हमारी सरकार मजबूर है। हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अभी बजट सत्र में एक दिन व्याख्यान देते हुए कहा संसद में, लोकसभा में, कि जहां से हम कर्ज ले रहे हैं उनकी शर्तों को मानना हमारी मजबूरी है, हम उनको ना नहीं कह सकते, वो जो भी कहेंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा। वो कहेंगे कि भारत का ये कानून बदल दो तो बदलना पड़ेगा, वो कहेंगे भारत में नया टैक्स लगा दो तो लगाना पड़ेगा, वो कहेंगे भारत के लोगों को जहर दे के मार डालो तो उसकी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो जैसे कहेंगे हमको वैसे ही चलना पड़ेगा। ये हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद के बजट सत्र में 2 बार कहा, 1 बार नहीं 2 बार कहा, और हर बार उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हमने जहां से कर्ज लिया है उनकी हर बात माननी है। अब अगर ऐसी स्थिति हमारे देश में है कि हमने कर्ज लिया है तो उनकी हर बात माननी है, तो जो कर्ज देने वाले हैं उनकी बातें क्या है जो हमें माननी है? सबसे खराब बातें जो वो हमें कहते हैं मानने के लिए, उनमें से 3 बातें सबसे खराब है, वैसे तो सभी खराब है लेकिन 3 सबसे ज्यादा खराब है। जहां से हम कर्ज लेते हैं
वो सबसे पहले हमको ये कहते हैं कि आप अपनी करेंसी का कीमत गिरा दो। हमारी करेंसी है रुपया और अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है डॉलर या यूरो डॉलर। तो वो ये कहते हैं कि डॉलर और यूरो डॉलर की तुलना में आप रुपए की कीमत कम कर दो। ये वो सबसे पहली शर्त लगाते हैं। अगर हम उनसे ये कहें कि हम ये नहीं करेंगे तो कहते हैं फिर कर्ज नहीं मिलेगा आपको। और हमारी सरकार की हालत इतनी खराब है कि बिना कर्जे के बजट नहीं बना सकते, बिना कर्जे के किसी को पगार नहीं दे सकते। तो जैसे ही वो कर्ज लेते हैं तो पहली ही शर्त मानते हैं कि रुपए की कीमत गिरा दो। मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी माहिती देता हूं। जिस दिन भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस दिन भारत महाराज जी कर्ज मुक्त देश था। 15 अगस्त 1947 की तारीख में भारत देश पर एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। हमने सबसे पहली बार कर्जा लिया 1952 में, जब हमारे देश में पंचवार्षिक योजना शुरू हुई। दूसरा कर्ज लिया 1957 में, तीसरा लिया 1962 में, और 62 में डबल कर्ज लिया महाराज जी हमने। पहला तो लिया पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना के लिए, और दूसरा लिया चीन से भारत पर जो हमला हो गया था उस चीनी हमले का सामना करने के। इसी तरह चौथी बार कर्ज लिया 1965 में, पाकिस्तानी हमला हुआ और हमले से देश को बचाना है। पांचवी बार कर्ज लिया 1967 में, छठी बार लिया 1971-72 में, और उस समय भी महाराज जी दो कर्ज लेने पड़े, डबल लेना पड़ा। एक तो पंचवार्षिक योजना के लिए, दूसरा बांग्लादेश बनाने के लिए। पाकिस्तान का हमला हुआ था 1971 में और उसका दुष्परिणाम बाद में बांग्लादेश रूप में आया। उसके बाद आगे कर्ज लिया 77 में, फिर 82 में, फिर 84 में, फिर ऐसे करते करते कर्ज लेते गए। 1991 तक हम जब कर्ज लेते थे तो उसका नियम यह था कि 2-3 साल 4 साल में एक बार लेते थे। 1991 में हमारे देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो इन्होंने एक नियम बना दिया कि भारत अब हर साल कर्ज लेगा। 1991 के पहले हर 2-3 साल 4 साल में या 5 साल में एक बार कर्ज लेंगे। 91 के बाद इस देश में एक नियम आया, उदारीकरण, गलती से उसको कह देते हैं उदारीकरण, वो उदारीकरण नहीं है, उधारीकरण। तो नियम बन गया हर साल हम कर्ज लेंगे। 1991 के पहले महाराज जी इस देश में नियम था कि केंद्र सरकार विदेशी कर्ज लेती थी और राज्य को बांटती थी जिसको जितनी जरूरत हो। 1991 में नियम बन गया कि अभी सीधे राज्य सरकार भी विदेशी कर्ज ले सकती है। फिर 1996 में नियम बना इस देश में कि अब भारत का कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सीधे विदेशी कर्ज ले सकता है। फिर 2004 में पिछले साल महाराज जी एक नियम बना दिया है सरकार ने कि अब भारत की कोई भी ग्राम पंचायत सीधे विदेशी कर्ज ले सकती है। पहले केंद्र सरकार लेती थी, फिर राज्य सरकार ने लेना शुरू किया, फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, अब भारत की ग्राम पंचायतें सीधे विदेशी कर्ज ले सकती हैं। और इस साल ये दुर्घटना हो गई, हिंदुस्तान की सबसे पहली ग्राम पंचायत जिसने विदेशी कर्ज लिया है वो कर्नाटक राज्य में है और उस ग्राम पंचायत का नाम है पुत्तूर, उडुपी जिले में है। उडुपी दक्षिण कर्नाटक का आखिरी जिला है, उसके बाद केरल राज्य शुरू हो जाता है। तो उडुपी जिले की ग्राम पंचायत पुत्तूर, उसने इस साल 60 करोड़ डॉलर विदेशी कर्ज लिया है। उस ग्राम पंचायत के सरपंच से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि मैं उस गांव में व्याख्यान देने गया था। मैंने सरपंच को पूछा, भाई ये 60 करोड़ डॉलर जो आपने कर्ज लिया है इसको वापस कैसे करेंगे? तो कहने लगा, राजीव भाई मैंने पूरी ग्राम पंचायत को गिरवी रख दिया है मॉर्गेज पर। माने ग्राम पंचायत की सारी संपत्ति उसने गिरवी रख के 60 कोटी डॉलर कर्ज ले लिया। वापस कैसे करेंगे? वो कहता है ग्राम पंचायत की संपत्ति बिक जाएगी, इससे ज्यादा क्या होगा। मैंने पूछा ये कर्ज किसके लिए लिया है? तो पूरी ग्राम पंचायत को पानी देना, पीने का पानी, उसके लिए पाइपलाइन बिछानी है, उसके लिए कर्ज लिया। मैंने उसको पूछा अभी क्या हो रहा है? तो कहने लगा पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पानी है पानी नहीं है,
पाइपलाइन बिछा रहे हैं। पानी कब आएगा? तो पानी लाने के लिए अगले साल फिर नया कर्ज लेंगे। पानी क्यों नहीं है? क्योंकि पानी आए तब जब कोई डैम हो, बंधारा हो, तालाब हो, जिसमें पानी इकट्ठा हो, वो पानी पाइपलाइन से गांव में जाए। वहां कोई तालाब नहीं है, बांध नहीं है, डैम नहीं है, बंधारा नहीं है, तो पानी तो मिलने से रहा, तो अगले साल बांध बांधने के लिए नया कर्ज लेंगे। इस साल पाइपलाइन डालने के लिए कर्ज ले लिया है और उस पुत्तूर ग्राम पंचायत ने भारत के 6,32,000 ग्राम पंचायतों के लिए रास्ता खोल दिया है। अब सब कर्ज लेना शुरू करें। और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री का सबसे ज्यादा जोर है ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जिवेत सुखम जिवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारे देश में एक व्यक्ति हुए चारवाक, उनका एक फिलॉसफी था, उसको भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। वो फिलॉसफी यही था, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जिवेत सुखम जिवेत, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके घी पियो। तो हमारे प्रधानमंत्री ने सबके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आप परिवार में हैं तो कर्जा लो, कर्जा लेके घर बांधो, कर्जा लेके कार खरीदो, कर्जा लेके क्रेडिट कार्ड रखो, कर्जा लेके शेयर बाजार में पैसा लगाओ, कर्जा लेके धंधा करो, कर्जा लेके कुछ भी करो, कर्ज की खुली छूट है। किसानों के लिए कह दिया तुम कर्जा लो और आत्महत्या करो, क्योंकि जितना कर्ज लोगे उतना ब्याज भरना है, ब्याज भरना है, पैसा नहीं है तो आत्महत्या करो। तो हर साल किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, छोटे छोटे व्यापारी मर रहे हैं, फंस रहे हैं। ये कर्जे का एक मकर जाल हिंदुस्तान में शुरू कर दिया है। जैसे अमेरिका में होता है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है तो कर्ज में और मरता है तब भी कर्ज में, वही व्यवस्था अब हिंदुस्तान में लाई जा रही है। अब इसमें समस्या क्या आती है कि कर्ज लेना तो आसान है, पटाना मुश्किल है, क्योंकि ब्याज भरना पड़ता है और ब्याज की कई सारी शर्तें होती हैं, वो तकलीफ देता है। तो उनकी शर्तें क्या होती हैं? सबसे खराब शर्त होती है, आप कर्जा जिस दिन लोगे उसी दिन वो कहेंगे कि आपके रुपए की कीमत गिराओ। तो हमारी सरकार रुपए की कीमत गिराती है। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन भारत आजाद हुआ, कर्ज मुक्त देश था, उस दिन भारत का एक रुपया और अमरीका का एक डॉलर दोनों बराबर थे। 15 अगस्त 1947 का कोई भी समाचार पत्र निकालकर आप पढ़ना, क्योंकि उस जमाने में कुछ अखबार निकलते थे। एक अखबार निकलता था हिंदुस्तान टाइम्स, एक निकलता था टाइम्स ऑफ इंडिया, एक निकलता था मुंबई समाचार। मुंबई समाचार आजादी के पहले का अखबार है। आपके यहाँ कोई लाइब्रेरी में मुंबई समाचार की कॉपी मिल जाएगी 15 अगस्त 1947 की, उसके फ्रंट पेज पर रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है, राइट हैंड में कोने पर है, उसकी कटिंग मेरे हाथ में है, मेरी फाइल में है। एक रुपया एक डॉलर बराबर है, एक रुपया एक स्टर्लिंग पाउंड बराबर है, स्टर्लिंग पाउंड माने ब्रिटेन की करेंसी, एक रुपया और एक फ्रैंक फ्रांस की करेंसी वो बराबर है, एक रुपया और एक ड्यूश मार्क जर्मनी की करेंसी वो बराबर है। दुनिया में उस समय जितने भी बड़े देश माने जाते हैं उनका एक करेंसी और हमारा एक करेंसी बराबर है। कारण क्या है कि वो दिन तक भारत कर्ज मुक्त देश है, वो दिन तक हम कर्ज देने वाले देश हैं, लेने वाले नहीं। 15 अगस्त 1947 को भारत साहूकार था और भारत का कर्जा इंग्लैंड के ऊपर था, 1732 कोटि स्टर्लिंग पाउंड, 1732 कोटि स्टर्लिंग पाउंड हमारा कर्ज इंग्लैंड के ऊपर था, जो हमने उनको दिया था 1939 में दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के, क्योंकि इंग्लैंड के पास दूसरा विश्व युद्ध लड़ने के लिए पैसा नहीं था और हिटलर उनको मारने को तैयार बैठा था। तो हिटलर से इंग्लैंड को बचाने के लिए भारत के नागरिकों ने इंग्लैंड को मदद किया था और इंग्लैंड ने हमको वायदा किया था कि अगर भारत हमारी मदद करेगा दूसरे विश्व युद्ध में तो हम भारत को आजाद करेंगे जल्दी से। उस मदद के रूप में हमने 1732 स्टर्लिंग पाउंड उनको दे दी, करोड़ स्टर्लिंग पाउंड उनको दिया था। उन्होंने वायदा किया कि जब भारत को आजाद करेंगे तो वापस देंगे, लेकिन वो आज तक हमने कभी वापस उनसे मांगा नहीं और उन्होंने कभी हमको दिया नहीं। 1952 में संसद में एक बार इस पर बात हुई और हमारे देश के कई सांसदों ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमने पैसा दिया था इंग्लैंड को, वापस ले लो। तो नेहरू जी ने कहा छोड़ दो, माफ कर दो, क्योंकि उनसे दोस्ती बनानी है अपने को। तो किसी ने कहा कि 250 साल हमारे ऊपर जो कुकर्म किया है, बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है, वो सभी भूल जाएं। तो
तो नेहरू जी ने कहा हाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सभी बुलाना पड़ता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें कह के वो सब उन्होंने छोड़ दिया, माफ कर दिया। अगर वही हमने वापस ले लिया होता तो हिंदुस्तान को पंचवार्षिक योजना को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसी पैसे से हम देश का विकास कर सकते। खैर वो हमने छोड़ दिया और हमने नया कर्ज लेना शुरू किया, और जब से कर्ज लेना शुरू किया उसी दिन से भारत के रुपए की कीमत कम होना शुरू हुआ, और कम होते 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 आज लगभग 44 रुपया डॉलर के आसपास आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सीधा सा ये हुआ कि हमारे देश के रुपए की कीमत 4400% कम हो गई, 4400% रुपए की कीमत गिर गई, 44 गुनी रुपए की कीमत कम हो गई। जब रुपए की कीमत कम हुई तो डॉलर की कीमत बढ़ी। इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम जो दुनिया के बाजारों को बेच रहे हैं वो सस्ता बिक रहा है, और हम जो दूसरे बाजारों से खरीद रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। हम जो बेचते हैं, एक्सपोर्ट जिसे हम कहते हैं, निर्यात जिसे हम कहते हैं, वो बहुत सस्ता जाता है। जैसे हम हीरे जवाहरात निर्यात करते हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात का सबसे ज्यादा निर्यात इस देश से होता है। महाराज जी, इस देश के लोग बड़ी मेहनत से हीरे की घिसाई करते हैं और वो हीरा दुनिया के बाजार में हर साल 45,000 करोड़ रुपए का बिकता है। एक दिन मैंने उसका हिसाब निकाला कि 45,000 कोटी रुपए का जो हीरा हम दुनिया के बाजार को बेचते हैं, ये कब? जब 44 रुपया एक डॉलर है तब। मान लो एक डॉलर एक रुपया होता तो जितना हीरा हम बेच रहे हैं इतना ही हीरा बेचकर हमको कम से कम 2.5 लाख कोटी रुपए मिलता, कम से कम। आज मिल रहा है मात्र 45,000 कोटी रुपए, मिलना चाहिए हमको 2.5 लाख कोटी रुपए, 2,50,000 कोटी रुपए हमें मिलना चाहिए। और अगर कुल निर्यात की बात करें, हीरे जवाहरात सोना चांदी चाय कॉफी पान और हमारे देश का बहुत अच्छे अच्छे किस्म के फल, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, बासमती चावल, जो कुछ भी हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश बादाम मुनक्का मखाने, ये सब कुछ जो एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक साल का लगभग 50 अरब डॉलर है। अगर रुपया डॉलर बराबर होता तो यही निर्यात लगभग 2500 अरब डॉलर का होता, और 2500 अरब डॉलर का अगर निर्यात हम करते हर साल तो हिंदुस्तान 10 साल में सोने की चिड़िया हो जाता। भारत की एक एक गांव की सड़क सोने से बन जाती, एक एक मंदिर इस देश में सोने चांदी का हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण क्या है? रुपए की कीमत गिरी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है, तो जो कुछ हम बेच रहे हैं वो कौड़ी के भाव में जाता है। एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं, भारत देश का सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है हीरे जवाहरात सोने चांदी के बाद दूसरे नंबर पर वो है